एक बेरानी घड़ा उठा दे। नहीं पिया जी। अरे यो जाता को ना थाया। मेरे घड़े का हाथ लगा दे के घट जाता तेरा। तेरे घड़े के हाथ लगा दू ते धर्म बिगड़ जा मेरा। तेरे घड़े के हाथ लगा दू ते धर्म बिगड़ जा मेरा। धर्म कर्म के बारे में मन पात्या को न फेरा। घर खाया एक जगह रहने से पिया जी ओ किसने हाथ बचाया। क्यों कर खड़ा खड़ा तू पिया जी फिर जागी मेरी काया। लेकिन पत्नी होने के कारण एक विधि जरूर बता सकती हूँ। लेकिन तारा ना तो मैंने भंगी घर से कोई वस्त्र ग्रहण किया है ना ही अन्न खाया है। इंसान कर्म तो कहीं भी कर सकता है लेकिन इंसानियत सबसे बड़ी होती है। तारा इतना जुल्म मत ढा क्योंकि मैं तुम्हारे धर्म के बारे में और कर्म के बारे में नहीं जानता लेकिन इंसानियत के बारे में जरूर जानता हूँ। पिया जी हाँ मैं एक ब्राह्मण के घर नौकरी करती हूँ। हाँ और आप एक भंगी के घर नौकरी करते हो तो क्या और अगर ब्राह्मणी को पता चल गया कि मैंने एक भंगी के नौकर को घड़े के हाथ लगाया है तो वो मुझे और मेरे बेटे को धक्के देकर घर से निकाल देगी। हम कहाँ जाएंगे? हमें अपना गुजारा कर लेने दो पिया जी। मेरा धर्म भ्रष्ट मत करो। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हो। अच्छा ऐसी कोई बात भी नहीं है। क्या कहना चाहते हो? है कि ब्राह्मण के घर रहते रहते तुम्हारा दिल और दिमाग बदल गया है। अच्छा? कहिए क्या कहना चाहते हो? जाथर थोड़ा पोचा जाता जाथर थोड़ा पोचा जाता क्यों करे घड़ा उठा दे। एक विधि मैं तने बताऊं बेशक ते अजमा ले। एक विधि मैं तने बताऊं बेशक ते अजमा ले। कौन सी विधि मन पतला है तू वा भी भ्रम मिटा ले। जल में गोता मार पिया जी नीचे नाड़ झुका दे। ओ जल में गोता मार पिया जी नीचे नाड़ झुका दे। अरे जल में गोते लावा
जान कायो जल में गोट जान का कौन सा तन बताया और तलर न हो के ठाले क्यों इतना दुख पाया क्यों कभी बैठ बाजो की आजी बड़ी साजी में लिखाया तूने भी मेरे को धोखा दे दिया। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया पिया जी। समय की बात है हाँ। कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त नूर को बेनूर बना देता है, जख्म छोटा सा नासूर बना देता है। अरे ये कौन चाहता है कि मैं मजबूरियों से गुजरूं, लेकिन ये जो वक्त होता है ये इंसान को मजबूर बना देता है। मुझे समय की दास्तां सुनाने वाली कम से कम इतना भी सोच सकती है कि ये तेरा कौन है? कहते हैं कि जिसके साथ औरत फेरे लेती है उसके लिए परमेश्वर के बराबर होता है, लेकिन मैं तेरे को विधि ये बताना चाहता हूँ जिससे तेरा धर्म भी बच जाएगा और मेरा घड़ा भी उठ जाएगा। अच्छा? मेरे घड़े को उठा करके आप इस बहते हुए जल में स्नान कर लेना, हाथ पैर साफ कर लेना। आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा पियाजी कि मैं आपके घड़े के हाथ नहीं लगा सकती? अच्छा, फिर आप बार बार मुझे क्यों कह रहे हो? सुनिए हमारी बात गौर से, इसलिए कह रहा हूं। ए हाथ धोलिए पैर धोलिए, हाथ धोलिए पैर धोलिए और नहालिए जल में। मैं ब्राह्मण घर रहूं पिया तेरी आई नहीं वक्त पड़े पे धोखा दे दिया तेरे फर्क हो लिया दिल में। उस मानसिक के कर ले जो तुरंत बदल चपली में, उस मानसिक के कर ले जो तुरंत बदल चपली में। तो समय री समय के खेल बावड़ी। अच्छा। समय समय के खेल बावड़ी धरती फिरती छाया। मेरी कह सुने कि ना मानी तने राजपाट ठुकराया। तेरे घर तवाजु की आजी तेरे जाके मेरी बार समझाने की कोशिश कर रही है तारा। मैं सब कुछ जानता हूं क्योंकि उस परमपिता परमात्मा ने जीव को बनाया है, लेकिन जिस जीव जिस मजम में जन्म लेता है, जिस धर्म में जन्म लेता है उसी में बंध जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात इंसानियत की बताई है। इंसान इंसान की मदद कर सकता है, चाहे किसी भी बिरादरी से, चाहे किसी धर्म से है, ऐसी कोई बात नहीं है। इंसान इंसान की मदद कर सकता है, ये सही बात है पिया जी। हाँ। लेकिन आपने मुझे मदद करने लायक छोड़ा ही कहाँ है। अच्छा। अगर उस दिन आप मेरी कहे सुने कि मान लेते राजपाट को दान में ना देते, तो ना तो आपकी ये हालत होती आज और ना ही मेरी ये हालत होती पिया जी। मानता हूँ, सुनिए हमारी बात गौर से। ए सत का बंधन जीव के जिम्मे, सत
मत का बंधन जीव के जिनमें जन्म लिए तय हो जा। सोच समझ के हो साजन तू सुकर्म के फल को जा। सोच समझ के हो साजन तू सुकर्म के फल को जा। जो नहीं अगत की बात विचारे वार हम कांटे भोजा। उस मानस का के कर ले तो बखत पड़े दुख विपता का। गुरु मान सिंह ने दुख विपता का कितना समय बताया। लख